मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि हमारे एरिया में खुदा के खादमों ने बहुत अच्छी सोच को रखा। और कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने स्कूल का इतना खूबसूरत नाम रखा है। क्या नाम है भला, किसी को पता है नाम का? किसी को नहीं पता नाम का? वेरी गुड, जसोम के लिए कैपिंग होनी चाहिए। अल-शड्डाई, यानी कि हमारे यीशु मसीह का ये नाम है। खुदावन के तो बेशुमार नाम है, तो कितना खूबसूरत स्कूल वालों ने ये नाम रखा है। तो पास्टर जी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया, आइए हम वेलकम सॉन्ग गाएंगे और अपने हाथों को आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। वेलकम करते हैं आप साहब जनाब जाहिद कल्याण साहब उनको दावत दूंगा की भरपूर तालियों में। अब इंसान जाएंगे और उनको माला पहनाएंगे। जाहिद कल्याण साहब बड़े ही जबरदस्त किस्म के खाते हैं, तालीम को बड़े अच्छे तरीके से पुराने के ग्राम को बयान करते हैं। पास्टर जहर कल्याण साहब और उनके गले में माला डालेंगे। जहर कल्याण साहब शुक्रिया जी। डॉक्टर आसिफ साहब आएंगे।
तो इनके गले में वैभव का जो माला डालेंगे, वैभव का आते जो वक्त हमारे पास कम है। भरपूर ताली में थे डॉक्टर साहब को दाऊद उदय के वो भी आए और भाई अश्वर आएंगे आपके गले में माला डालेंगे। थे डॉक्टर साहब के गले में ही माला, भाई अश्वर साहब आएंगे और के गले में माला डालेंगे। वक्त है पास्टर में अभी भी शाम का तो हम दावत देंगे तो वो आए और उनके गले में भी माला डालेंगे। अवश्य महसूस साहब उनकी बारी है, अवश्य महसूस साहब वो आएंगे। मुबशर महसूस पास सभी खोकर साहब आएंगे, उनके गले में भी माला डालेंगे। मुबशर आएगा उनके गले में माला डालेगा। ईश्वर सिकंदर को रहेगा साहब इशाद कैसर साहब आएंगे, इशाद कैसर साहब उनके गले में नासर भट्टी साहब माला डालेंगे, उनके गले में माला नासर भट्टी साहब डालेंगे। जनाब इजाज आलम गुरर साहब उनको भी आप बुलाएंगे और उनके गले में भी माला डालेंगे। फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब विश्वास चिराग रोशन साहब को भरपूर ताली में वेलकम करेंगे। हालेलुया। और मनीर पास्टर मनीर खोकर साहब आएंगे, इनके गले में माला डालेंगे बाकी भरपूर तालियों में। बहुत शुक्रिया खुदा का बरकत दे। अगर कोई हाथ हिला तो आप भी हाथ लाया करें। हालेलुया। जनाब डॉक्टर इमानुएल साहब आपकी भरपूर तालियों में, मैं उनको चाहूंगा कि वो भी आए और पास्टर जयदाल साहब फिर आप आए और ये गले माला डालें। नील खोकर साहब पास्टर नील खोकर साहब उनका दावा देंगे, वो आए उनके गले में माला डालेंगे।
चार भाई आएंगे जो तेरे माला डालेंगे। उठा भाई जाओ, पहले मैं माला डालेंगे। जॉन साहब है, उनको भी दावे लगा के वो भी आए। इन्होंने जॉन साहब इन्होंने जॉन साहब को हम वेलकम करते हैं। भाई रुपी कहेंगे, गले मार डालेंगे। भाई रुपी भाई नाश्ता बटिया है, भाई नाश्ता बटिया है। फिर एक बार जी जी इंस्ट्रूमेंटल जाए जाए आसिफ भाई है, आसिफ भाई उनको भी बैठ। स्वीकार कर आए हैं अब इजहार ख्याल के लिए नजीर साहब जो चेयरमैन हैं न्यू लाइफ इज सोसाइटी के, हम उनको दावत देंगे कि वो अपना इजहार ख्याल जो है वो बताएं। मेरी तरफ से आए हुए सबको बहुत बहुत सलाम। सबसे मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा ये जो इलाका नहीं है बल्कि ये हमारा ही अपना घर है जिसके साथ हम रहते हैं, और ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने ही हैं जिनके साथ हम लोग बड़े भले सब कुछ जवान हुए। तो अच्छा लगता है कि जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो मेरा ख्याल है हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है अपने उन इलाकों में जहाँ पे हमारे जो मसीह लोग रहते हैं और उनको जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी है, और उनको कमी को दूर करना हम जैसे लोगों का ही काम है। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे चल के जो चीज़ें हम लोगों ने देखी यहाँ पे कि बच्चों को जो है वो तालीम का काम शुरू किया गया है, तो मेरा ख्याल है एज ए मसीह मेरा ख्याल है हम सब के माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को जो है वो कम से कम अगर कुछ चीज़ें तो हम उनको बच्चों को अपनी तरफ से नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम इतना करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये सब चीज़ें हासिल करके कुछ ना कुछ तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो दौर है ये पहले वाला दौर नहीं है कि जिस तरह से भी ज़िंदगी होती थी गुजर जाती थी, अब तो तालीम का दौर है। मेरा ख्याल है हर लोगों को अपने आप को बढ़कर आगे हिस्सा लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता दूँ अपनी, तो मैं भी अगर कोई अदारा चला रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि मेरा भी एक टाइम था कि मुझे जब शुरू किया तो वो सिंपल तौर पे मैंने शुरू किया तो 5 लोगों से शुरू किया, और जब मैंने अभी तक भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई 2,500 के करीब लोग जो हैं वो जिनको मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, जिसमें हम लोग केयर एंड सपोर्ट और हम लोग ट्रीटमेंट तक उनको सपोर्ट की, और ये वो बड़ा गैप था जो कि हमें नज़र आया कि हमने ये करना। मेरा ख्याल है हमारे जितने भी मसीह लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का तलाश करते रहते हैं कि कहाँ पे कमी है जो हम लोग पूरी कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है कि हमारे लोगों को जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और जितना भी टाइम अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं वो दें। ठीक है, आजकल की अगर मैं बात करूँ महंगाई का दौर है, सब चीज़ों का दौर है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये भी एक बड़ी बहुत बड़ी ज़रूरत है जो कि हम लोगों को पूरी करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अगर लाइक होंगे तो हर चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम कैसे बच्चों को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और मैं सब जितनी टीम है यहाँ पे इस लोगों को लाने की उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और किसी तरह भी उनको जो हम कर सकते हैं उसकी कोई किसी तरह भी ज़रूरत हुई
तो मेरा ख्याल है वो हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं, जो कि शुक्र है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी नज़ीर साहब। अब वक्त है कि हम अफजल आफ्ताब साहब को, जो एमसीबी इस्लामिक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाएं कि वो भी इजहार ख्याल जो है वो अपना पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में अफजल आफ्ताब साहब। भाइयों और बहनों, मैं एमसीबी के वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से नहीं बल्कि आपके भाई होने के हवाले से यहाँ आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो पंजाबी में भी थोड़ा बहुत हम बात कर लें। अच्छा एनजे के मैं जून जुलाई के दिन सर, बड़े गर्मी बड़ी तपती दोपहर सी, तो मैं बैठा सा दफ्तर दे विच ते एक शख्स ना पसीने च भरिया होया और आचो ने एक बैग फड़िया होया ते वो दफ्तर च मेरे एंटर होया। पहले तो उन्हें वेख्या कि मैं बैठा, फिर उन्हें बाहरों पूछया, मैं जी अफजल साहब बैठे ने, उन्हें कहा जी बैठे ने, उन्हें अंदर आए ने, मेरे नाल मिले ने और दसा कि मेरा नाम पास्टर चिराग है। मैं जी आओ पास्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, छोड़ो सारा कुछ, पहले पानी पियो ठंडा जहा ताकि तुम सह आए। और बाद दो मिनटा बाद एक साहब और अंदर आए, वह भी पसीने च भरे। मैं जी ये मेरे नाल ने, मैं जी ये कौन ने, मैं जी नासिर साहब, दो भरा आके बैठे मेरे नाल। फिर उन्होंने अपने को तारुफ कराया मेरे नाल और मैंने दसा कि वह की काम करते ने की नहीं करते ने। वो दिन से जिदन साड़ी पहले दिन मुलाकात हुई और फिर वो बाद मुलाकात का सिलसिला लंबा हो झाका लै गया जी, बिल्कुल झाका लै गया। फिर एक दिन जो कि गर्मी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड सी, वैसे ना मैनू नहीं समझ आती है गर्मी की दोवी क्यों घूमते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी होगी तो दोवी आ गया। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या बैठो तो कॉफी मंगा लें। जनाब साढ़े नाल ना कोई गैसट भी है जी, अच्छा गैसट भी है ना, मैं उन्होंने भी बुला लो। थोड़ी देर बाद दो गोरे नाल अंदर आ गए, हम उन्होंने गलबात शुरू हुई। वो इतफाक की गल है कि ब्रदर कैंट जेड़े ने, वो मैं जो अमेरिका च पढ़ना सा तो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त निकल आए और मेरे तो एक क्लास जूनियर सर। खैर उन्होंने गलबात हुई, वो बड़े खुश हुए, कहते यार बड़ा अच्छा होया, बड़े साल बाद मुलाकात हो गई। और मैं उन्होंने भी गल की थी, मैं उन्होंने दसिया मैं कि जनाब जो काम करन डे ने ये इन्ना क काम है कि जिन्ना भी इन्हों दात दी जाए घट है। मैं इन्होंने सामने इन्हों की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन हर बंदे च हौसला नहीं होता। मैं सच्ची गल दसा, अगर वो हौसला करके चले ने तो फिर बड़ी वड्डी गल ना, वो गर्मी वेंदे ने, ना वो सर्दी वेंदे ने, ना वो बारिश वेंदे ने, ना वो धुप वेंदे ने, ना वो छां वेंदे ने, बस वो एक स्ट्रगल है उन्होंने चली जा रहा। मैं जेडे हार अंदर रखे ने ना, जरा उन्होंने कहूँगा दो हार लै आओ, जरा मैं अपने हाथी उन्होंने पाना चाहना। असल दे विच उन्हां हारां दे हकदार जिन्ने लोग असी सन, जिन्होंने हार पाए गए असी नहीं है, ये हकदार वो दो लोग जिन्होंने, और बल्कि वो दो ही नहीं, उन्होंने जिहड़ी पूरी कौंसल है या जिहड़े लोग उन्होंने नाल काम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ हवाले दे नाल छोटा वड्डा काम, चर्च की मैनेजमेंट, चर्च के काम, स्कूल बनाने लई काम, इनू पाए तकमील तक पहुँचाने लई काम, ते ए कोई छोटा काम नहीं हैगा, उन्होंने भी एक एफर्ट है और वो चली जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज दसा, मेरा ताल्लुक ना, अच्छा पहले हार पा लीए फिर उसके बाद कोई काम करा। तालियां जोरदार, नासिर साहब पहले तुम तशरीफ ले आओ, जरा तालियां बजाओ जनाब, तालियां रुकनिया नहीं, नहीं सर उन्होंने बाद चो पा लियो, तो मेजर शख्सियत ने। आओ जी पास साहब, सर और तालियां तो बिल्कुल ही नहीं रुकनिया चाहिए, मैं दंदा शख्सियत ने जिन्होंने मैं झुक के सलाम कर, प्यार है मेरा इन्होंने, मोहब्बत हो गई इन्होंने कहते।
अजकल कोई बंदा कोई भी शह मुफ्त नहीं जे देंदा, मैं तुहानू मैं दसदा भावे अपने भैन भरा को चले जाओ ना, लेकिन बराए मेहरबानी यह स्कूल तुहाडा है, इहनू अपना स्कूल समझ के अपने बच्चों नू जरूर भेजो और मसीह कौम के लिए अच्छे मुबारक। अब वक्त है कि जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, मैं उनको भी दावत दूं। इरशाद कैसर साहब जो हैं, वो थोड़े वक्त में वो भी आएंगे और इजहारे ख्याल अपना पेश करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से और तमाम खास बॉस के तरफ से सलाम। मैं अपनी जिंदगी में ये देखा है कि कलाम कैसे पूरा होता है इंसानों का। खुदा के कलाम में लिखा है आखिरी जमाना में मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे और फिलहाल रोया। तो ये कलाम अब पूरा होता है। आज कोई भी यहाँ पर बच्चा किसी को भी आप देख रहे, अभी बच्चे ने कितने बजे अच्छी ढोलक बजाई है, क्यों कि अब पढ़ाई के बगैर कोई आगे है ही नहीं वसीला। तो भाई चिराग रोशन का शुक्र करते हैं, मैं इनको मुद्दत से जानता, इनको भी जानता हूँ, ठीक है। सो काम करना कृषियों के लिए कौम के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी खुदा के बंदा ने बताया है कि जिस काम को इंसान दिल जान से करता है ना, तो खुदा उसमें भी रहनुमाई करता है। तो खुदा इनको और बरकत दे ताकि ये इससे भी बड़ा स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। और मैं पास्टर महबूब शाह साहब को दावत दूंगा कि वो भी हैं, इजहारे ख्याल अपना पेश करें। अच्छा, मेरे लिए तो खुशी की बात है दोबारा कि मैं आपके सामने हूँ। मैं बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं तकरीबन 30 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मुल्क कौम की खिदमत में जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। ग्रेस होम के नाम से 1998 में इसका आगाज़ किया स्कूल का, और इस वक्त तकरीबन 11 होम स्कूल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर चल रहे हैं। मैं आज वक्त को सामने रखते हुए छोटी सी बात करना चाहूँगा, और जितने साहिब इख्तदार हैं या इख्तियार में लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लीडर्स हैं रहनुमा हैं, मेरी कौम के रहनुमाओं कुछ तो कर्म कर दो, मेरी कौम के रहनुमाओं कुछ तो कर्म कर दो, हाथों में कलम दे दो या हाथ कलम कर दो, कुछ ना कुछ तो करो ना। मेरी कौम के रहनुमाओं कुछ तो कर्म कर दो, हाथों में कलम दे दो या हाथ कलम कर दो। तो ये जितने भी बड़े बड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमें ज्यादा इस तरफ तवज्जो जो है वो देने की जरूरत है। मैं एक दफा फिर आली जनाब बिशप साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस इलाका में एक बड़ा जबरदस्त काम किया, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है शबो रोज, जैसा उन्होंने हमारे खूबसूरत भाई ने जबरदस्त बात है पंजाबी में, और पंजाबी अपनी मादरी जबान है, अच्छा लगता है उसमें गुफ्तगू की जाए, और जिस तगड़े से आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं नई सुबह होगी, नया आफ्ताब निकलेगा, नई सुबह होगी, नया आफ्ताब निकलेगा, फिर कोई नया इंकलाब निकलेगा। मैं हर शाख को लहू में डुबो के बोता हूं, मेरे चमन से कोई तो गुलाब निकलेगा, तो यकीनन हर गुलाब होगा। और बहुत सारे बच्चे जो यहां पर पढ़ेंगे वो मेरी जगह पर खड़े होंगे, सिकंदर की जगह पर खड़े होंगे, और सर आपकी जगह पर खड़े होंगे। हम आपको वंस अगेन सैल्यूट करते हैं, आपकी सारी टीम को जोरदार तालियां बजाते हैं इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आपका बहुत शुक्रिया तमाम बरकत के लिए। एक छोटी बच्ची है वो गीत के अंतर तक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बच्ची से गीत सुनती है। तालियां बजाएं, रो रो के मौका लिया, ऐसे बच्चे होना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। दस के शुरू से करे जहर बदल जाएगा, यीशु के ताबे रहे जीवन सवर जाएगा। खुदावन मसीह की परस्तेश रूह और सच्चाई से हो, परस्तारे तेरे होंगे। जी वक्त कम है और मैं दावत देता हूं जनाब फाउंडर एंड चेयरमैन चिराग वर्षन साहब को, बिशप साहब को कि वो आए। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज आप मुझे यहां खड़ा देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। मुझे 18 साल मैं दुआ करता रहा हूं, याद रखिएगा। और वो 18 साल मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन साल थे, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी कि खुदावंद मैं जरूर जो तालीम है ये बच्चों के लिए इस पे काम करना चाहता हूं। ये बच्चे मैं देखता था कि बड़ा मुश्किल है, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में भी और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। स्कूल फीस देना, यूनिफॉर्म खरीदना, शूज लेने, बुक्स लेने, फिर और स्कूल में प्रोग्राम होते रहते हैं और बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते कि उनके पेरेंट्स को 100 रुपया या 50 रुपया एक फंक्शन के लिए देना पड़ता है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मेरी उन 18 साल की दुआओं का जवाब जब दिया तो फिर इस तरह उसका जवाब दिया कि आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा ने कितनी बरकत दी है। मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है कि जिस आदमी को, बहन को, भाई को कहता हूं कि हम ये एजुकेशन बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रगल के बाद आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि यहां से जो बच्चे पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पास्टर साहबान बनेंगे,
और लीडर बनेंगे, लेकिन उस वक्त जब वो तालीम को हासिल करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जरूर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आपसे कोई पैसा डिमांड नहीं करना, मैं करूंगा ना मेरी टीम करेगी, सिर्फ आपका काम है कि बच्चों को स्कूल भेजें। और फिर स्कूल में सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ संडे स्कूल का बच्चों का जरूर इंतजाम है, ताकि बच्चे जो हैं बेरा रवि का शिकार ना हो। तो आप सबका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, सारे आए हुए गेस्टों के लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अभी हमारे जो प्रिंसिपल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से 2 मिनट में आए, और उसके बाद बच्चों को कुछ बैग कॉपियां दी जाएंगी, और खाना आप सबके लिए है। गेस्ट थोड़े से लेट है, लेकिन बच्चों के लिए पहले होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मसीह यीशु में आप सबको सलामती हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हाजरीन और मौजूदीन का जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा है। तो इस स्कूल के हवाले से मैं, जैसा कि सभी ने, जैसे हमारे अफजल आफ्ताब साहब भाई हैं उन्होंने बताया है, और हमारे चेयरमैन एंड फाउंडर साहब पास्टर चिराग रोशन साहब ने बताया कि किस मेहनत से, किस लगन के साथ उन्होंने इसकी बुनियाद डाली। थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, फ्लैशबैक में जाऊँगा मैं इन्हीं के साथ ही। वो इस तरह से है कि जब 2019-20 में कोरोना का सीज़न था, और आपको पता है कि किस तरह के हालात हो गए थे हर एक, तो खुदावन ने अपने बंदा को ये रोया बख्शी के किसी के पास, आपको पता है सारे जॉबलेस हो चुके हुए थे, घरों में खाने को भी कुछ नहीं था, तो उन दिनों में जो पढ़ाई का आलम था, जो फीसिस थी, वो भी लोगों के पास बहुत मुश्किल से अफोर्ड हो रही थी, ऐसे ही है। और बहुत से बच्चे स्कूलों से घरों में बैठ गए थे, तो खुदावन ने अपने बंदा को ये रोया बख्शी कि तुम उठो और इन बच्चों का सहारा बनो, उनको स्कूल तक लेकर आओ। और ये खुदावन ने बहुत ही करम किया अपने बंदा पर, उसको ये वसाइल मुहैया किए कि उसने इस रोया को अमली जामा पहनाया, और ये सारा कुछ उन्होंने खुदावन की बदौलत और उनके साथ जितने भी लोग उनके साथ इस रोया में जुड़े, उन्होंने इसको पॉसिबल किया। और मैं आपको बताता चलो, ये पहला स्कूल नहीं है, ये चौथा स्कूल है। और जो कि आपके इलाका में पास्टर चिराग रोशन साहब ने इसको कायम किया है। और मैं आपको एक बहुत खास बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये टारगेट करते हैं ऐसे इलाके जहां पर बहुत ही, मतलब के वो देखते हैं कि लोगों के पास वसाइल इतने नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सके, तो ये खास तौर पर उन जगहों को टारगेट करते हैं और वहाँ पर स्कूल बनाते हैं। और आपसे मेरी सिर्फ एक छोटी सी तमाश है कि कुछ भी, जैसे उन्होंने बताया कि बैग्स हैं, बुक्स हैं, कॉपीज हैं, यूनिफॉर्म, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल। और हम आपसे डिमांड करते हैं कि जब हमारी टीचर्स बच्चों को होमवर्क देकर घर भेजती है, तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो जरूर डेली बेसिस पर उनका होमवर्क चेक करें और उनका होमवर्क करवा कर हमारे पास भेजें। वजह ये है कि हम देखिए आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ डिमांड ये कर रहे हैं कि जो काम, जो होमवर्क हम आपको, आपके बच्चों को दे रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें सूरत में मिलना चाहिए। और यही आप लोगों से हम आप कहने के फीस वसूल करेंगे, और अगर ये आपने फीस हमें ना दी तो हम आपके बच्चों को निकाल देंगे। एल शडाई स्कूल, हमारे स्कूल का जो नाम है वो है एल शडाई स्कूल, और एल शडाई का जो मतलब है, ये खुदा का एक नाम है, जिस तरह से आप सब जानते हैं यहोवा यरी, यहोवा शलोम, उसी तरह से ये भी खुदावन का एक नाम है एल शडाई। एल शडाई एक इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसकी जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो है पालने वाला। और यही रोया थी हमारे पास्टर चिराग रोशन साहब की, जो चेयरमैन एंड फाउंडर है, कि वो चाहते हैं कि आप इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजें और तालीम की रोशनी से हम उन्हें मुनव्वर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। एक सारे प्रोग्राम को जो चला रहे हैं बहुत पीछे रह गए हैं, तो पास्टर सिकंदर साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। बड़ी मेहनत, बड़े छोटे भाई हैं, जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ तो पहुंचते हैं। तो ये सारी टीम
म्यूजिशियन भाई, म्यूजिक वाले और खुद भी मौजूद हैं, तो इनकी बड़ी खिदमत भी है आपके बिल्कुल ग्रेट क्रिश्चियन टाउन में चर्च खुदा ने रखा है, खिदमत भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां पाशु साहब के लिए और एक माला भी मुझे दे करके गले में डालना चाहता हूँ, जोरदार तालियां, जोरदार। और उसके बाद एक छोटा सा 5 मिनट है, बच्चों को बैग और बुक्स दी जाएंगी और उसके साथ साथ खाना भी। और जो आखिरी सेशन होगा वो ओपनिंग का है और इससे जो है वो उस चीज को तैयार रखें ताकि जल्दी से उसको फिर कर सके जी। जल्दी से एक बैग लेके आएंगे, जल्दी से जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। जी बच्चे आएंगे उनमें स्कूल के बैग्स, कॉपियां, यूनिफॉर्म, स्कूल शूज सब मुहैया किया जाएगा। तो सारी चीजें दी जाएगी क्योंकि नाम है एल शैडाई यानी पालने वाला, तो आपके बच्चों को पाला जरूर जाएगा। खुदा का कलाम आपने सीखा और खुदा के बड़े ही खूबसूरत खादम हमारे उस्ताद जनाब पास्टर महबूब इरशाद साहब ने कलाम मुकद्दस में से सिखाया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुनिएगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब बच्चों आपको समझ ना आए तो आपने इस बात को याद रखना कि खुदावंद मुझे ताकत बख्शेगा और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैथ की समझ नहीं आती, उर्दू की समझ नहीं आती, इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो ये कहिएगा कि खुदावंद मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और माओ के लिए भी, जब आप समझे कि बच्चों को उठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि खुदावंद में आप सब कुछ कर सकती है। कई बार बच्चे लाड़ प्यार की वजह से उठते नहीं है, आपने उन्हें उठाना है, आपने उनके बच्चों को स्कूल भेजना है, ये मोहब्बत जो है उन्हें बिगाड़ने का एक जरिया ना बने, आपने उन्हें उठाना है, टाइम से वक्त पर भेजना है। जी रेजर हर एक चीज जो है वो यहाँ पर बैग के अंदर मौजूद है। इस बच्चे का नाम इमानुएल है, इसे पूरा स्कूल का यूनिफॉर्म और पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, सारी स्टेशनरी और एक चटाई का जो प्रिंटेड बैग है वो दिया जा रहा है। इसमें यूनिफॉर्म भी है, ये पकड़े। इसके बाद मैं मनीष खोखर साहब को भी दावत दूंगा तो भी इसके बाद आए। बच्चों को कॉपी, यूनिफॉर्म और तमाम चीजें, स्पेशली की सारी चीजें जो वो बच्चों को दी जा रही है। बैग, तो बैग में ये खाली बैग नहीं है, बैग के अंदर कॉपीज है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, कॉपियां है। और ये सबसे खूबसूरत बात है कि ये बच्चे जब पहन कर जाएंगे तो मोनोग्राम है उस पर और साथ में जो बैग भी लगा हुआ है एल शैडाई स्कूल, जो आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। और बच्चों में किताबें, कॉपियां, पेंसिलें और यूनिफॉर्म हर एक चीज है वो तो दी जा रही है। और ये बे लॉस है, बिल्कुल फ्री है ये। बच्चों में ये चीजें जो है उनका हौसला बढ़ता है। के लिए और बहुत सारे बच्चों ने देखा कि लाइट नहीं है, वो लाइट भी जला रहे हैं। Thank you.
महबूब शाह साहब आएंगे और बच्चों में पेंसिल और जो उनकी स्टेशनरी है और तमाम जो यूनिफॉर्म है, पेंसिल, इरेजर सब चीजें जो है वो आकर बांटेंगे। तमाम बच्चों में पास्टर महबूब शाह साहब आएंगे। मंडे को सब बच्चे अपने यूनिफॉर्म पहन कर आइएगा। आपको मंडे को हम जो देंगे सबके यूनिफॉर्म है, कोई महीने बच्ची बच्चा रहेगा नहीं, सबके यूनिफॉर्म मिलेंगे। अच्छा, पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये एक जो हुई ना, ये सेरेमनी हुई है, ठीक है। बाकी जब आप बच्चों को मंडे को लेकर आएंगे ना स्कूल में सुबह 8 बजे, उस वक्त साइज के मुताबिक आपके बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी परेशान ना हो, ये जो सेरेमनी हुई है ना, ये बैग्स और यूनिफॉर्म अभी हम कलेक्ट कर देंगे, उसके बाद सभी को मिलेंगे मंडे को, ठीक है। आप लोगों ने मंडे को आना, अभी परेशान ना हो कि हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगे, ठीक जी। बहुत सारे बच्चों के साइज का प्रॉब्लम होगा, आपको देंगे साइज बड़ा हो छोटा, फिर भी मंडे को आपने चेंज करने तो आना है। तो मंडे को बच्चों के साइज के मुताबिक आपको यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। बच्चे मंडे को 8 बजे जो है वो आएंगे विदाउट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के बगैर, ठीक है। 7:30 बजे आपने आना है, बच्चों ने 7:30 बजे आना है, तो उनको यूनिफॉर्म स्कूल में उनके साइज के मुताबिक दिया जाएगा। हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरे नाम में कुदरत है और तूने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है, और तेरा कलाम फरमाता है कि जो मुझ में ताकत रखता है वो सब कुछ कर सकता है। हम तुझ में सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, हम ताकत रखते हैं, हम जोर रखते हैं, और इस बात के लिए यकीन रखते हैं खुदावंद के तुम्हारी मदद करेगा। तू पालने वाला है, तुम्हारा झंडा है, तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हें मुहैया करने वाला है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जनाब बिशप चिराग रोशन साहब के लिए, बाबर इमानदार साहब प्रिंसिपल साहब के लिए, तमाम टीम के लिए, पास्टर मीर खोकर साहब के लिए, पास्टर सदीक साहब के लिए, जहाद कल्याण साहब के लिए, और खुदा मंदिर भाई इजाज के लिए, पास्टर जुहैद आलम के लिए, पास्टर महबूब इरशाद के लिए, तमाम खादमीन के लिए, अफजल महबूब साहब के लिए, और खुदा मंदिर बरकत और सलामती चाहते हैं। तमाम तेरे मेहमानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो दूर नजदीक से आए हैं, तेरे तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों के वालदैन के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, और वो उन बच्चों को बरकत देना, और ताकि खुदावंद मौसम के असरात से बच रहे, तमाम बीमारियों से बच रहे, तमाम सर्दी के और गर्मी के सबसे बेहतर है, और तालीम हासिल करे, क्योंकि खुदा मदन जानते हैं कि जब तू सिखाता है तो खुदा इंसानों की जिंदगी बदल जाती है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सारी तकरीब पर, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हर काम में तूने मदद की, तूने हमारा भरोसा कायम रखा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सबके बेहतर है पूरा तेरी खात्मा के लिए और मेहमानों के लिए सर के लिए बरकत चाहते हैं। संकट में पाक रूप से दे और अपने जलाल से भर दे, मसीह यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदा की स्कंदा में सीखेंगे, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, आज उसने अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज से हमें माफ कर, और हमें नाश में रहा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह है कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अरे हमारे खुदा के सुख का फजल पाकरों की रफाकत और शरत है, तुम्हें के साथ हाजिर जमात के साथ और दुनिया के जितने नंबर सीन बरगजी है, उन सबके साथ, तमाम टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ, तमाम जो फाउंडर चेयरमैन है उन सबके साथ, बच्चों के साथ, तमाम जितने भी इंतजामिया है उन सबके साथ हमसे लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा अंदर सबको बरकत दे, आमीन। I'm not going to be able to do that.
एक